दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे ECS T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा SFS वर्सेस AFK के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए तो यार YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, विकेट कीपर में यहाँ पे अब्दुल्ला लोडी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है जो कि ओपन करेंगे। लास्ट मैच में 22 रन इन्होंने करे, उससे पहले 7 रन इन्होंने करे, 57 रन इन्होंने करे, फिर एक शतक भी इन्होंने लगाया था दोस्तों, उससे पहले 23 रन इन्होंने करे। अब लास्ट 5 में से 3 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग भी करी है, हालांकि उसमें कोई विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन अच्छी बात ये बॉलिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक और बैकअप ऑप्शन हो जाता है पॉइंट देने का, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए एज ए बैट्समैन भी हो जाते हैं, आप इनको रख सकते हो। यहाँ पर डूनबर के बारे में बात करें दोस्तों, आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन है, नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं। लास्ट में 7 रन इन्होंने करे, उससे पहले 40 रन इन्होंने करे, फिर 71 रन इन्होंने करे, 16 रन इन्होंने करे, एक और अच्छा ऑप्शन है, आप इनको भी अपनी टीम में लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे इस नेगी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर आपको काफ़ी नीचे नज़र आएगा। फ्लिस के बारे में बात करें सेम, इनका भी बैटिंग ऑर्डर आपको काफ़ी नीचे नज़र आएगा। जानेव के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, ओपन करते हुए नज़र आएंगे, हालांकि लास्ट रन में 0 पे आउट हो गए थे, उससे पहले कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करके चल सकते हो। बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है, 2 हमारे विकेट कीपर रहने वाले हैं। वहीं अगर बैटिंग में हम बात करें दोस्तों, पी मिश्रा आपके पास एक अच्छे ऑप्शन है जो कि नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं। लास्ट रन में 4 रन इन्होंने करे, उससे पहले ओपन भी कर रहे थे, फिर 12 रन इन्होंने करे, 0 रन इन्होंने करे, अगेन 0 पे आउट हो गए और 26 रन इन्होंने करे। अब बैटिंग से देखोगे तो इतना कोई खास इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है ये बॉलिंग भी करते हैं। इन 5 मैचेस में अगर हम बात करें तो 7 विकेट इन्होंने बॉलिंग से भी निकाले, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन जाते हैं, आप इनको लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे ऑजरेड मीर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में, यार बैटिंग ऑर्डर आपको काफ़ी नीचे नज़र आएगा, तो आप इसलिए इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। फिलहाल मैं एक बैट्समैन लेके चल रहा हूँ। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, एम जॉन्स का आपके पास ऑप्शन है, ओपन करेंगे। लास्ट रन में एक शतक लगाया था इन्होंने, उससे पहले 0 रन इन्होंने करे, फिर 69 रन इन्होंने करे दोस्तों, 14 रन इन्होंने करे, 51 रन इन्होंने करे। वहीं रीसेंट के 5 में से 4 मैचेस में बॉलिंग करवाते हुए 3 विकेट भी इन्होंने निकाले, आपके लिए एक और अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। वहीं दोस्तों दलियान के बारे में अगर हम बात करें, ओपन करेंगे। लास्ट रन में 14 रन इन्होंने करे थे, उससे पहले 5 रन पे आउट हो गए, फिर 20 रन इन्होंने करे, अगेन 27 रन इन्होंने करे, फिर 21 रन इन्होंने करे। लास्ट 5 मैचेस में 3 विकेट भी इन्होंने निकाले, ये बॉलिंग भी करवाते, इसलिए आपके लिए एक और अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। ओजे ट्रक के बारे में बात करिए दोस्तों, नंबर 4 आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। लास्ट रन में 8 रन इन्होंने करे, उससे पहले अगेन 8 रन पे आउट हो गए, फिर 0 रन इन्होंने करे, 17 रन इन्होंने करे, 9 रन करे। वहीं रीसेंट के 5 मैचेस में 3 विकेट इन्होंने निकाले, वो 3 विकेट एक ही मैच में आए थे, उससे लास्ट 4 मैचेस में तो कोई विकेट नहीं निकाल पाए, उससे पहले वाले मैच में जो 5वां मैच था उसमें 3 विकेट निकाले। स्टार्टिंग इनकी अच्छी रही थी टूर्नामेंट की, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है परफॉर्मेंस, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं दोस्तों जेवाट मॉक के बारे में अगर हम बात करें, बैटिंग ऑर्डर रहेगा नंबर 6 पे। वहीं बॉलिंग से अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, अब लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई थी दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, लास्ट
दो मैचेस में बॉलिंग नहीं करवा रहे, उससे पहले मैच में बॉलिंग करवाई, वहाँ एक विकेट इन्होंने निकाला, फिर बॉलिंग नहीं करवा रही थे, फिर कोई खास इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। लेकिन आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो आप इनको ज़रूर रखिए, अदरवाइज़ आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं इस मैच में अभी थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ ड्रॉप करने का। डरमास के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में सेम बैटिंग ऑर्डर आपको थोड़ा सा नीचे नज़र आएगा, लेकिन अगर इनके हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं इम्पॉर्टेंट, तो वो भी मैं आपको इनके बारे में अपडेट कर देता हूँ। लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, उससे पहले चार मैचेस में कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, जीरो विकेट इन्होंने निकाले, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एलिस का भी आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करें एलिस की, किस टाइप का रहता है, नंबर 5 पे बैटिंग करते हैं, लास्ट रन में 10 रन करे, बॉलिंग नहीं करवाई, उससे पहले 1 रन करे, उसमें कोई विकेट नहीं निकाल पाए, उससे पहले बैटिंग नहीं आई और एक विकेट इन्होंने निकाला, फिर ना तो बैटिंग आई ना ही बॉलिंग करी, उससे पहले 5 रन इन्होंने करे लेकिन बॉलिंग नहीं करी, तो काफ़ी रिस्की ऑप्शन हो जाते। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जिवार्ट और दरमाज में से किसी एक को रख सकते हो जिसकी टीम पहले बैटिंग यहाँ पे करती है, फिलहाल आप वार्ड को रख सकते हो। बाकी अगर ZD को आप रखना चाहते हो, अगर इनकी टीम बैटिंग करती है तो ट्राई कर सकते हो, चार आप ऑलराउंडर लेके चल सकते हो। बॉलिंग में आपके पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं, सबसे पहले जी सिंह का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लास्ट मैच में कोई विकेट ये नहीं निकाल पाए, लास्ट 5 मैचेस में 4 विकेट इन्होंने निकाले हैं, उससे पहले यहाँ पे एस कुमार का भी आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, साहिल कुमार लास्ट रन में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन डीसन के 5 मैचेस में अगर आप देखोगे तो 2 विकेट इन्होंने निकाले। अच्छी बात यह है कि नंबर 5 पे बैटिंग भी कर लेते हैं। अल्मास के बारे में बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, इम्पॉर्टेंट है नहीं इम्पॉर्टेंट, तो वो भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। लास्ट मैच में खैर इन्होंने बॉलिंग नहीं करी, उससे पहले 5 में से टोटल अगर देखोगे 5 में से 2 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग करी है, हालांकि कोई विकेट नहीं निकाल पाए। बैटिंग ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें इनके किस टाइप का इनका बैटिंग ऑर्डर रहता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं इम्पॉर्टेंट, तो बैटिंग ऑर्डर भी सेम आपको थोड़ा नीचे ही नज़र आएगा दोस्तों। और यहाँ पे आर धीमन के बारे में बात करें, परफॉर्मेंस के बारे में किस टाइप का रहेगा, बैटिंग ऑर्डर तो खैर नीचे नज़र आता है, बॉलिंग के बारे में बात करें लास्ट रन में विकेट नहीं निकाल पाए, और रीसेंट के 5 मैचेस के हम बारे में बात करें परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों, टोटल ओवरऑल लास्ट 5 मैचेस में 3 विकेट निकाले, लेकिन थोड़ा बैटिंग ऑर्डर कभी कभी ऊपर भी हो जाता है, और बाकी अगर टीम कोलैप्स करती है तो ये बैटिंग भी कर सकते हैं। कौस्कन के बारे में बात करें, बैटिंग ऑर्डर तो रहेगा नंबर 3 पे दोस्तों, और बॉलिंग से अगर हम बात करें तो इनका बॉलिंग का कोई अता पता नहीं रहता, कई बार लास्ट 5 मैचेस में देखोगे तो लास्ट मैच में बैटिंग ऑर्डर में नंबर 3 पे आ गए, वहाँ पे 0 रन पे आउट हो गए, और उससे पहले तो खैर बैटिंग ही नहीं आ रही थी, और बॉलिंग से इतना कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है दोस्तों। आर कुमार के बारे में हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, लास्ट मैच में इन्होंने ओवर करवाए थे लेकिन कुछ खास इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं, हालांकि लास्ट 5 में से 4 मैचेस में बॉलिंग करवाए और एक विकेट इन्होंने निकाले। एम सिनार के बारे में हम बात करते दोस्तों, ये भी काफ़ी रिस्की ऑप्शन है, कोई अता पता नहीं है बॉलिंग वगैरह का। यहाँ पे एस फारूकी को आप ट्राई कर सकते हो, ओपन में कई बार बॉलिंग डाल लेते हैं दोस्तों। बाकी अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते किस टाइप का रहा है, लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करें तो 4 में बॉलिंग करवाए और 2 ही विकेट इन्होंने निकाले। पी कुमार के बारे में बात करते दोस्तों, रिस्की ऑप्शन होने वाले, आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच में कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा, बाकी लास्ट 4 में से 2 मैचेस में बॉलिंग करवाए, हालांकि विकेट तो इनको नहीं मिला दोस्तों। फिलहाल मैं यहाँ से जी सिंह, एस कुमार, अल्मास को अपनी टीम में रख रहा हूँ, आर धीमन के साथ चल रहा हूँ। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, एम जोनस एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं, बाकी ओजे ट्रक को आप कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन पे मैं यहाँ पे जिनको सजेस्ट करूँगा, पी मिश्रा को मैं यहाँ से सजेस्ट करूँगा दोस्तों। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना, और यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।